नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का मेरी ऑनलाइन ताशिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3। इस विषय के लिए प्रथम सत्र के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक रखी गई है उसका शीर्षक है सृजन संदर्भ और मैं आत्मकथांश। इस पाठ्य पुस्तक में विभिन्न सारे लेखकों की आत्मकथाओं के अंश आपके अध्ययनार्थ प्रथम सत्र के लिए रखे गए हैं। उनमें से आज हम शुरू करते हैं दूसरा आत्मकथा का अंश, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा अंश को शुरू करने से पूर्व इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तिगत परिचय हम जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तिगत परिचय इस प्रकार से है। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आपका पूरा नाम हरिवंश राय प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, परंतु बचपन में आपको बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में आप इसी नाम से मशहूर हो गए। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। आगे आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा साहित्य सृजन भी किया है। महज 19 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह श्यामा जी से हुआ था, परंतु श्यामा जी की असमय मृत्यु के कारण आपने तेजी सूरी से विवाह किया। आपके अमिताभ और अजिताभ दो पुत्र हैं। आपकी कविता आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आपकी ख्याति मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इन काव्य रचनाओं के माध्यम से काफ़ी हुई है। इन रचनाओं में मधु या हाला जीवन की मस्ती का प्रतीक है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, काव्य संग्रह तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का काल, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर, दो चट्टाने आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। आपकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित हैं। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा दस द्वार से सोपान तक आदि 4 भागों में आपकी आत्मकथा संग्रहित है। आपकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं, उमर खैयाम की रुबाइयां, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक कवि, नए पुराने झरोके, 64 रूसी कविताएं, भाषा अपनी भाव पराये, प्रवास की डायरी आदि आपकी अन्य रचनाएं हैं। ऐसे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी का स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। अब हम शुरू करते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा अंश को। इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। प्रस्तुत आत्मकथा अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। अंश के आरंभ में ही बच्चन जी ने बता दिया है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला में पूरी हुई है, जिसमें बालकों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी पाठशाला में आदर्श नामक एक हस्तलिखित हिंदी पत्रिका निकलती थी। इस पत्रिका के लिए आने वाले लेखकों को लिखने का कार्य बच्चन जी को सौंप दिया था, क्योंकि
बच्चन जी की लिखावट काफी सुंदर थी। यह कार्य बच्चन जी के मौलिक लेखन की एक तरह से अनजान तैयारी ही थी। इस संदर्भ में वे स्वयं बताते हैं कि आदर्श में आए लेखों को सुंदर लिपि की एक रूपता देने के लिए मुझसे समान आकार प्रकार के कागजों पर नकल कराया जाता था। यह सब मेरे मौलिक लेखन के लिए अनजान तैयारी थी। आज मैं निसंदेह कह सकता हूँ, जब बच्चन जी कायस्थ पाठशाला में सातवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पहली पूर्ण हिंदी कविता लिखी थी। नवीं दसवीं कक्षा तक आते आते उन्होंने अपनी कविताओं से एक कॉपी ही भर डाली थी। ये उनकी निजी कविताएं थी और एक साथी ने चोरी से इन कविताओं को देख लिया था। इसीलिए गुस्से में आकर बच्चन जी ने कविता की वह कॉपी ही फाड़ डाली थी। इसके आगे वे बताते हैं कि वे स्कूली जीवन में ज़्यादा तेज छात्र नहीं थे, इसका उन्हें अफसोस भी नहीं है। 1924 में वे मैट्रिकुलेशन में फेल हो गए थे। 1925 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट में नाम लिखा लिया, तब उनके पिताजी ने पढ़ाई का खर्चा स्वयं वहन करके पढ़ाई करने के लिए उन्हें कहा था। इंटर पास होने के बाद उनके पिताजी ने पढ़ाई बंद करके नौकरी करने का आग्रह भी किया था, क्योंकि उनके पिताजी इसी वर्ष पायनियर से रिटायर होने वाले थे और हटने से पूर्व वे बच्चन जी को वहाँ पर नौकरी लगा देना चाहते थे। इस पर बच्चन जी ने अपने सास ससुर तथा पत्नी श्यामा जी से विचार विमर्श करके आगे की पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। आगे की पढ़ाई के संदर्भ में वे बताते हैं कि मैंने जुलाई 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया। ऐच्छिक विषयों में मैंने हिंदी और फिलॉसफी ली, अंग्रेजी अनिवार्य थी। यूनिवर्सिटी मेरे घर से 4 मील से ऊपर ही होगी, मैं पैदल यूनिवर्सिटी जाता, पैदल लौटता, इसमें बहुत सा समय बर्बाद होता। मैंने चलते हुए पढ़ने की आदत डाल ली। मैंने एक के बजाय 2 ट्यूशनें कर ली, एक पर सुबह को जाता, एक पर शाम को। 4 बजे सुबह उठ जाता, रात को 12 बजे तक पढ़ता। बस 4 घंटे सोना मेरे लिए पर्याप्त होता। बहुत दिनों तक मैं रात को केवल 2 घंटे सोता, 12 से 2 तक। इस तरह से बच्चन जी ने कठिन परिश्रम करके पढ़ाई की और 1929 की बीए की फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 3रा स्थान पा लिया। बच्चन जी आर्य कुमार सभा के सदस्य थे, इसीलिए उनका परिचय आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र सत्य प्रकाश जी से हो गया। ये विज्ञान पत्रिका के संपादक थे। इसी विज्ञान पत्रिका में बच्चन जी का पहला लेख हेकल की द रिडल ऑफ द यूनिवर्स इस विषय पर छप गया था। इससे पहले उनकी एक कविता जैन हॉस्टल के मैगजीन में छप चुकी थी। इस कविता को सुनाने के बाद बच्चन जी को काफ़ी वाहवाही मिल गई थी। तभी से बच्चन जी को कविताएं लिखकर सुनाने का नशा सा हो गया था। इसके आगे उन्होंने एमए प्रवेश की परीक्षा पास होने के बाद पारिवारिक चिंताओं और राजनीतिक हलचलों के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। एक तरह से उनका मन पढ़ाई से उचट ही गया था। इसके बाद बच्चन जी आज़ादी के लिए छेड़े गए आंदोलन के जुलूसों में नारे लगाने, सभाओं में भाग लेने, चरखा चलाने और जमुना पार के गांवों में जाकर व्याख्यान देने का कार्य करने लगे। उनकी खद्दर प्रचारक टीम की ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ध्यान आकर्षित हुआ
और उन्होंने इस टीम की काफी प्रशंसा की थी। बच्चन जी इस समय जुलूसों में गाने के लिए कई राष्ट्रीय गीत भी लिखने लगे थे। उनका सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए यह गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद आंदोलन ठंडा पड़ गया और समूह बिखरता गया। 1930 में बच्चन जी की कहानी को यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल गया। 1931 में उनकी कहानी हृदय की आंखों को प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में छाप दिया था। इसके बाद बच्चन जी ने कई कहानियां लिखी और कविताएं भी लिखते रहे। उनकी कहानियों का एक संग्रह छापने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी को भेज दिया था, परंतु अकादमी ने उन्हें वह संग्रह वापस कर दिया। इसके बाद बच्चन जी ने कहानी लिखना ही छोड़ दिया। जब पहली बार उनका तेरा हार नामक काव्य संग्रह 1932 में प्रकाशित हुआ तब उन्हें काफ़ी आनंद हुआ था। उनकी पहली पत्नी श्यामा जी भी इससे काफ़ी उल्लसित हो चुकी थी। इस बात का जिक्र बच्चन जी ने इस प्रसंग में इस आत्मकथा के अंश में यहाँ पर किया है। यहाँ पर बच्चन जी बताते हैं कि मेरे कवि होने का विश्वास मुझ में श्यामा ने दृढ़ किया था और उसका समर्थन श्री कृष्ण ने। मेरे जीवन और मेरे काव्य दोनों के विकास में रुबाइयात उमर खयाम और उसके मेरे अनुवाद का विशेष स्थान है। 1933 में बच्चन जी ने रुबाइयात उमर खयाम का अनुवाद किया था। इस अनुवाद के संदर्भ में वे बताते हैं कि जैसे मैं जीवन की बहुत सी विशेषताएं जी रहा था वैसे ही यह अनुवाद करना भी मेरे जीवन की एक मांग, मेरे जीने की एक व्यवस्था थी। इतना इस अनुवाद ने अवश्य किया कि जो कुछ अपना भोगा सहा जिया कई वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा था, इसने उसे व्यक्त करने का एक प्रतीक एक मुहावरा दिया। पर बिना पूंजी के मधुशाला का प्रसाद खड़ा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए बच्चन जी ने स्वयं की रुबाइयां लिखना आरंभ किया। उनकी दिसंबर 1933 में सरस्वती पत्रिका में मधुशाला की 10 रुबाइयां छप गई थी। इसी महीने में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय काशी के शिवाजी सभागार में मधुशाला का सार्वजनिक पाठ किया था। यहाँ उनकी काफ़ी सराहना हुई थी। काव्य पाठ की समाप्ति के बाद उन्हें विश्वविद्यालय के अहाते से चलना मुश्किल हो गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ इनसे मिलने के लिए होड़ मचा रही थी। मधुशाला के बाद उन्होंने मधुबाला, मधुकलश आदि काव्य संग्रहों की रचना की। यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश को एक ही रचना मानकर जो पढ़ेगा शायद उसी को इन तीनों रचनाओं के पूरे रहस्य का बोध होगा। यों तो कवि की समस्त कृतियों को एक ही कृति मानकर पढ़ना चाहिए। इसके आगे वे गांधी जी के साथ भेंट का किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार गांधी जी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक उत्सव में इंदौर में आए थे। उनके ही सभापतित्व में यह उत्सव होने वाला था। उन्हें किसी ने बच्चन की शिकायत की थी, जिस सम्मेलन के आप सभापति हो उसमें मदिरा का गुणगान किया जाए, बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह की शिकायत गांधी जी को किसी ने बच्चन जी के बारे में की थी, अतः गांधी जी ने इन्हें दूसरे दिन अंतरंग सभा हॉल के बगल वाले कमरे में बुलवाया। उस समय रात के 12 बजने को हो रहे थे। बच्चन जी डरते हुए गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने शिकायत की चर्चा की। उस वक्त बच्चन जी ने गांधी जी को बड़ी सतर्कता के साथ चुन चुन कर रुबाइयां सुनाई। गांधी जी की सहमति के बाद बच्चन जी ने उस वार्षिक उत्सव में मधुशाला का जोरदार पठन किया। लोगों ने बच्चन जी के एक एक पद पर तालियां बजाई, उनकी खूब वाहवाही की
एक तरह से उन्हें अपने सर पर उठा लिया था। काव्य पाठ के बाद बच्चन जी अपने पूर्व जीवन को याद करके काफी उदास हो गए थे। जहां एक ओर उनकी मधुशाला की प्रशंसा हो रही थी, वही दूसरी ओर उसका विरोध भी हो रहा था। मधुशाला को लोग खरीद रहे थे, पढ़ रहे थे, गा रहे थे, सुन रहे थे। कवि सम्मेलनों में लोग उसे सुनकर पागल हो जाते थे। बच्चन जी को भी इसका आश्चर्य होता था। इस बाबत बच्चन जी लिखते हैं कि कवि सम्मेलनों में लोग उसे सुनकर पागल हो जाते थे और मेरे लिए भी यह कम आश्चर्य की बात न थी कि लोग उसमें क्या पाते हैं जो सुनकर विभोर हो जाते हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य और अपने लिए वरदान ही मानता हूँ कि न मैंने विरोधों पर मुंह फुलाया और न ही वाहवाइयों पर फूलकर कुप्पा हुआ। अंत में बच्चन जी कहते हैं कि करे कोई निंदा दिन रात, सुयश का पीटे कोई ढोल, करे कोई निंदा दिन रात, सुयश का पीटे कोई ढोल, किए कानों को अपने बंद रही बुलबुल दालों पर बोल, किए कानों को अपने बंद रही बुलबुल दालों पर बोल, सुरा पी मधु पी कर मधुपान, सुरा पी मधु पी कर मधुपान। इस तरह से बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा अंश में अपने जीवन की अनेक घटनाओं का यथार्थता के साथ वर्णन किया है। धन्यवाद।